हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सीआई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर प्लस वन कॉमर्स क्लास चैप्टर 11 डिस्पर्सन हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन में ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के थ्रू किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज हमने डिस्कस कर ली है, डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस कर ली है। आज टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स कंटिन्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी बेटा निकालने के तीन मेथड हैं, जैसे कि आपने मेन में पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट वन इज स्टैंप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज फिलहाल अभी मैं डिस्कस करती हूँ डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड जिसमें डायरेक्टली हम निकालेंगे, जिसमें हम एज्यूमिंग नहीं लेंगे तो डायरेक्ट मेथड कहलाया जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी डिस्कस किया है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ हमें पुटअप करना है और अंतर इतना है ये कॉन्टिन्यू सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, चलिए अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो एफ तो हमारे पास गिवन है, ये रहा है। ठीक है, यहाँ जीरो से टू इंटरवल दिया है, 10 से 12 तक। अगर यहाँ देखिए स्मॉल एक्स कैसे निकलता है और एक डीएक्स आता है, कभी डीएक्स लिखा एफ के साथ डीएक्स लिखा होता है, कभी एफ के साथ एक्स स्मॉल एक्स लिखा होता है। एफ के साथ डीएक्स तब लिखा होगा जब कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, शॉर्टकट। बेटा अगर एफ डीएक्स आता तो इट मीन डीएक्स का मतलब हमने वहां डायरेक्ट मेथड यूज नहीं किया, हमने एज्यूमिंग लिया, इट मीन शॉर्टकट या स्टैंप डेविएशन मेथड हमने वहां यूज किया है। अगर स्मॉल एक्स आ जाता है तो इट मीन्स हमने कौन सा मेथड यूज किया है, डायरेक्ट मेथड। और स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, वही जो है प्रोसेस जो कि पहले वही स्टेप है जो कि मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी बताया था। स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स सीरीज में से माइनस कर देंगे मीन को, एक्स सीरीज में से क्या माइनस कर देंगे मीन। ठीक है, तो आ जाएगा स्मॉल एक्स सीरीज जो आंसर आता जाएगा अंतर करके उसको कर देंगे स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो यह जाएगा एक्स स्मॉल एक्स स्क्वेयरिंग। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है जी, एक्स सीरीज तो है, ये रही एक्स सीरीज, तो इसमें से कैसे माइनस करेंगे। चलिए दूसरी बात है, माइनस करने के बाद ये मीन कैसे निकालेंगे, या तो मीन निकालना है क्योंकि डीएक्स तो इससे ज्यादा इजी लग रहा है, डीएक्स में तो हमें कोई मीन ही नहीं निकालना होता, वहां तो एज्यूमिंग लेना होता है, एज्यूमिंग हम एक्स सीरीज में से लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए तो इसके स्टेप को करते हैं, स्मॉल एक्स निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए, तो ये रहा एक्स, लेकिन माइनस किस में से करेंगे, अगर बाय चांस हमने मीन भी निकाल लिया तो माइनस किस में से करेंगे, क्या इन दो डिजिट में से माइनस करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जैसे कि मीन हम करते थे तो कंटिन्यू सीरीज को हम किस में, ये कंटिन्यू नंबर है ठीक है क्लास इंटरवल, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिड वैल्यू में। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, इसकी मिड वैल्यू एक वैल्यू ऐसी आ जाए जिसका हम सोल्यूशन कर सके। तो चलिए मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को एड किया 0 प्लस 2 और 2 से क्या किया डिवाइड, कितना आ गया 1 आ गया, ऐसे ही 4 और 2 6 अपॉन 2, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, ऐसे ही आप बनाते जाइए 5 आ गया, नेक्स्ट 7 आ गया। देखिए 2 का अंतर है तो 2 का अंतर रखते जाइए, आगे निकालने की जरूरत नहीं होगी, 1 के बाद 3, 2 का अंतर है, 3 के बाद सीधा 5 5, ठीक है 1 के बाद 2 का 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ गया, 2 ऐड किया 5 आ गया, 2 ऐड किया 7 आ गया, फिर 2 ऐड कीजिए 9 आ गया, फिर 2 ऐड कीजिए कितना आ गया 11। या आप इसको निकाल के भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ये आ गया मिड वैल्यू, अब निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये आ गई एक्स यानी मिड वैल्यू आ गई, तो इट मीन्स हम यहाँ एक्स सीरीज भी नहीं, हम यहाँ मिड वैल्यू लिख सकते हैं, एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे यहाँ मिड वैल्यू। तो एक्स में से तो ये एक्स ही तो है बेटा, जो मिड वैल्यू है वो एक्स में से ही तो निकाला है, जो ये एक्स सीरीज है उसकी मिड वैल्यू निकाल दिए तभी तो निकला है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पर आप एम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अब ये मीन निकालना पड़ेगा, मीन कैसे निकाले, तो बेटा डायरेक्ट मेथड है इसके लिए मीन का चैप्टर आपको आना चाहिए। तो मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में, अगर किसी को थोड़ा ध्यान हो तो मीन ऐसे निकलता था सिग्मा मीन, मतलब डायरेक्ट मेथड में इजीली ही ज्यादा आपको कैलकुलेट, ज्यादा आपको कुछ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। तो एफ को कर दीजिए एम से मल्टीप्लाई, एफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एम से अपॉन एन, तो ये आ जाएगा मीन जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो चलिए मीन निकाल लेते हैं, एफ को कर दीजिए एम से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 4 3 जा 12 6 5 जा 30 4 7 जा
28 29 86 11 66 क्लियर। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ सिग्मा, यानी इसका सिग्मा करना है, तो बेटे इन सबका टोटल कीजिए। इसका टोटल इसका टोटल आएगा 156, यानी सिग्मा एफ एम। तो ये आ गया 156 अपॉन एन, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी टोटल किया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाया जाता है एन। ये आता है 24, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो मीन कितना आता है देखिए। इसके बाद डिवाइड करते हैं 156 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5, यानी मीन आ जाता है 6.5। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, यानी हम स्मॉल एक्स निकाल सकते हैं, एम हमारे पास आ चुका है। अगला स्टेप, एम में से क्या माइनस करना है हमें, मीन, मीन आया है 6.5, तो मीन को माइनस कीजिए जो कि है 6.5। तो चलिए एम कहाँ है, ये रहा, 1 में से माइनस कीजिए 6.5, 3 में से माइनस कीजिए 6.5, 5 में से माइनस कीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5.5, नेक्स्ट -3.5, नेक्स्ट -1.5, इसके बाद आता है 0.5 प्लस का, इसके बाद आता है प्लस का 2.5, एंड नेक्स्ट आगे आता है 4.5, ठीक है, ये आ गया प्लस का, क्लियर। तो ये आ जाता है बेटा स्मॉल एक्स, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स की स्क्वेयरिंग निकालना है, स्मॉल एक्स की क्या निकालना है, स्क्वेयरिंग। तो कैसे स्क्वेयरिंग निकालेंगे बेटा आप देखिए, एक्स स्क्वेयरिंग कैसे निकालेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5.5, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयरिंग। जैसे मैं लिख देती हूँ क्या आता है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5.5, तो आ जाता है 30.25, नेक्स्ट 12.25, नेक्स्ट 2.25, नेक्स्ट 0.25, एंड नेक्स्ट 6.25, एंड लास्ट 20.25, ठीक है। यहां मैं इसको रेस कर देती हूँ, यह स्टेप आपको आ ही गया है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, f को x स्क्वेयरिंग से मल्टीप्लाई करना, तो ये रहा f को, ये रहा x स्क्वेयरिंग, तो f को x स्क्वेयरिंग से मल्टीप्लाई, यानी 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ठीक है, ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे। तो बेटा अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ, डायरेक्ट मेथड काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो शॉर्टकट मेथड ज्यादा बेटर होगा, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा डायरेक्ट मेथड, इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पॉइंट में आ रहे हैं तो आप वहां शॉर्टकट यूज कीजिए तो ज्यादा इजीली आप निकाल पाएंगे। चलिए लेकिन अभी हम स्टेप को देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए सीधा आता है 60.50, 49. ऐसे ही नेक्स्ट 13.5, 1.0, 12.50, 120.50, इसका हम टोटल कर देते हैं, आ जाता है 258। अब बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसका टोटल आ ही चुका है 258 अपॉन एन कितना है, ये रहा 24। इसको आप कीजिए डिवाइड, जब आप डिवाइड करते हैं तो आता है 10.75। मैं एक बार स्क्वेयर रूट फिर सिखा देती हूँ, 10.75 को स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं बेटा देखिए, 10 पॉइंट है, यहाँ दो डिजिट लेंगे और ये दो, किस पर जाएगा 3 3 9, क्योंकि 4 4 12 ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3। इसके बाद आ जाता है ये, यहाँ इसको ऐड करेंगे 6, पॉइंट के बाद डिजिट है तो पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर जो लिखोगे वो यहीं पर आएगा, तो किस पर जा सकता है, इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 6 12 तो अभी शॉर्ट है, 3 6 18 तो यानी ग्रेटर, यानी मेनली 2 या 1 पर ही जाएगा, 2 से करके देखते हैं, 2 2 4 12, तो ये जाता है 3.2 समथिंग, आगे आप निकाल लेता आंसर आएगा 3.28, आगे 0 0 करके आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि आप पॉइंट में आ रहे हैं, लेकिन अगर पूछा ही है डायरेक्ट मेथड से करना तो वही करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम शॉर्टकट से करके देखते हैं, इसी को मैं शॉर्टकट से करके दिखाऊंगी, चलिए। तो वहां ज्यादा आप इजी, आपकी कैलकुलेशन आपको इजी, काफी इजी लगेगी। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपने अभी डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा वही है, सिग्मा एफ डीएक्स स्क्वेयरिंग अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन एन का होल स्क्वेयर, ये है फॉर्मूला। और इसके स्टेप कैसे कैसे निकालते मैं बता चुकी हूँ, एफ तो है, डीएक्स निकालना है, डीएक्स कैसे निकलता है, स्मॉल एक्स बता दिया था, एक्स में से मीन, डीएक्स कैसे निकलेगा, एक्स सीरीज में से आप क्या माइनस करेंगे, एज्यूमिंग,
रिज्यूम मीन तो बेटा एक्स में से लेते हैं, एक्स को एम में कन्वर्ट कर दिया, तो लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ पर 5 या 7 ले सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल लगे। चलिए मैं 7 ले लेती हूँ, ठीक है 7 ले लेते हैं, तो मीन निकल डी एक्स आ जाता है एक्स एम माइनस, यहाँ एम लिखिए क्योंकि इसको एम में कन्वर्ट कर दिया, माइनस ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक्स है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो आप यहाँ एम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना एक्स में से माइनस करते हैं, एक्स मतलब एक्स को एम में से ही कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद एम में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 7 कितना आ गया -6, 3 माइनस 7 कितना आ गया -4, ठीक है। इसके बाद -7 -2 -7 0 -7 +2 -7 +4, क्लियर। इसके बाद dx आ गया, dx के बाद हमें क्या निकालना है dx स्क्वेयरिंग कैसे निकलेगा बेटा, dx को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये dx स्क्वेयरिंग आ जाए, फिर इन दोनों को f से मल्टीप्लाई कर देना, या अभी f को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे भी कर लीजिए सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो dx को डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 प्लस का 16, 4 4 16, ये आ गया dx। चलिए तो dx भी है और dx स्क्वेयरिंग भी, इसके आगे f लिखे हुए बेटा, तो चलिए f कर दीजिए, f को एक बार dx से मल्टीप्लाई, f को एक बार dx स्क्वेयरिंग से, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -6 से, 6 2 जा 12, यहाँ कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, 4 4 जा 16, 2 6 जा -2, 0 को 4 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 6 से 24, प्लस का लगाइए प्लस को साइन में। इसके बाद आता है f को dx स्क्वेयरिंग से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो कितना आया 72, 16 4 जा, ठीक है 64, 6 4 जा 24, 4 को 0 से करेंगे 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आया 8, ध्यान से करना बेटा, 16 को मल्टीप्लाई करूं मैं 6 से, 96, क्लियर, सब पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, सबका एडिशन करना है, सिग्मा एफ टी एक्स का एडिशन कीजिए तीनों का, तो कितना आया 40 माइनस का, इसको ऐड कीजिए कितना आया 28 प्लस का, यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, -40 में से 28, तो कितना आया 12, किसका माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस एफ डी एक्स माइनस का आ गया 12, ऐसे ही इसका टोटल कीजिए तो कितना आता है 264, ठीक है। तो ये आ गया इसका समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयरिंग का 264। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली रूप से यहाँ पुट अप करके आपको निकालना है, जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको करके बताया था, ठीक है। यहाँ आप कीजिए सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल किया तो 264, एन कितना है, एन है 24, माइनस कीजिए सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस का 12 और n है 24, यहाँ इसकी स्क्वेयरिंग। बेटा यहाँ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इसको कट करेंगे, 1/2 आ गया -1/2, तो तुरंत डिवाइड कर दीजिए तो -0.5 की स्क्वेयरिंग आएगी, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है। हाँ जी डिवाइड करके बेटा यहाँ पर मैंने जो एज्यूम मिल लिया, यहाँ पर जो मैंने एज्यूम मिल लिया है वो 7 लिया है, आपके बुक में 5 लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एडिशन है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, इजीली निकल जाएगा, 7 लीजिए 5 लीजिए आंसर निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही 264 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आता है थोड़ा समय करके दिखा देती हूँ, 24 1 पर जाएगा, इसके बाद आता है 1 यानी 11 पर ही जा, ठीक है, ये आ गया 11, यहाँ देखिए 11 आ गया, इसके बाद आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। -0.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से, कितना आया 25, पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, टोटल 2 डिजिट है जिस जो पॉइंट के बाद है, काउंट कीजिए 1 2, यानी पॉइंट यहाँ आएगा 0.25,
ठीक है, तो 11 में से माइनस कीजिए 0.25, तो कितना आ गया 0.25 माइनस करेंगे 5, 7, यहाँ आ गया 0 और 1, 10.75, जो कि पहले वाले में आप देख सकते हैं 10.75 ही आ रहा है, आप मैच कर सकते हैं, चाहे आप 5 लीजिए, 5 आपके बुक में लिया हुआ है, मैंने तो 7 लिया है, तब भी आंसर निकलेगा 10.75। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे वो मैं बता ही चुकी हूँ। तो बेटा ये था मेथड, जो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से भी मैं अब यही बता देती हूँ, बहुत सिंपल स्टेप डेविएशन से और ज्यादा थोड़ा सिंपल हो जाएगा, देखें कैसे सिंपलिसिटी आएगी, वो यहां से देखेंगे। डीएक्स निकला है, डीएक्स के बाद चलिए, तो उसमें क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ ही कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मीन में था तो यहाँ पर डैश आ जाएगा, डैश आ जाएगा, मल्टीप्लाई में अलग से आ जाएगा सी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए डीएक्स तो आ गया, अब इसमें एक कॉमन फैक्टर ले लीजिए जो डिवाइड हो जाएगा, अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, अदरवाइज नहीं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, डीएक्स डैश कैसे निकलेगा, डीएक्स को डिवाइड करूंगी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ दो ही है बेटा, स्मॉल है और यही सबसे डिवाइड हो सकता है और कोई डिवाइड नहीं होगा, तो चलिए डिवाइड कीजिए, कितना आ गया -3, -2, -1, +1, +2, ठीक है। इसके बाद dx डैश की स्क्वेयरिंग कीजिए, 3 3 9 2 2 4 1, देखिए अब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, सिंपल। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे, बहुत लेंथी जा रहा था, शॉर्टकट से किया बहुत जल्दी निकला, स्टेप से और भी जल्दी निकलेगा। देखिए अब f को मल्टीप्लाई कीजिए dx डैश से, dx डैश से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा 2, 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से -6, 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, बेटा dx डैश है ठीक है, ये हम देखिए ये वाले सर्कल dx डैश ये कर रहे हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज जाओ, 4 को 2 से -8, ठीक है, ये dx स्क्वेयरिंग है, चाहे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 6 को -1 से -1, 4 को 0 से 0, 2 को 1 से 2, 6 को 2 से 12, ठीक है, ये आ गया प्लस का। अब हमें क्या करना है, f को dx डैश स्क्वेयरिंग से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा dx डैश स्क्वेयरिंग, ठीक है, dx डैश स्क्वेयरिंग, चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कर चुके हैं, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, कितना आया 18, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, कितना आया 16, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करना 6, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से 0, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, dx स्क्वेयरिंग ही चल रही है देख लीजिएगा, ठीक है, तो आ गया 2, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 24। अब देखिए बहुत ये तो सारे प्लस में लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए सभी की, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कितना आता है -15 इन सबका टोटल, इनका +14, तो कितना आ गया सिग्मा एफ डी एक्स डैश का आ गया है -1, देखिए कैलकुलेशन और भी सिंपल हो जाएगी, -1 आया है, चलिए इसका टोटल करते हैं, कितना आ गया है सिक्सटी सिक्स है, चलिए कंफर्म हमने कर लिया है, दोबारा रीचेक, ये आ गया सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयरिंग, चलिए अब सिंपल है निकालना, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वेयरिंग 66 अपॉन एन कितना है 24, ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, एफ डी एक्स कितना है -1 और एन है 24, इसकी स्क्वेयरिंग मल्टीप्लाई सी, चलिए इसको यही डिवाइड कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, 66 को डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो कितना आ गया 2 से जाएगा 48 810.7 पे जाएगा, ठीक है, 12 आ गया, माइनस करेंगे तो 12 आ गया, फिर 0, एक और आप डिजिट तक आगे निकाल लीजिए, जैसे 5 से जाएगा, कंप्लीट जा रहा है बेटा, 5 4 20 120 कंप्लीट जा रहा है, 2.75, ठीक है,
माइनस कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए बेटा माइनस वन को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को 24 से डिवाइड करेंगे बेटा, करके दिखा देती हूँ, नहीं जा रहा है 0, अब इसके बाद लगाएंगे 0, अब भी नहीं जा रहा है पॉइंट के बाद तो 0, इसके बाद लगाएंगे 0, ठीक है। कैलकुलेशन फिर बता रहे क्योंकि स्मॉल कैलकुलेशन हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है, 96 यहाँ आ गया 4, इसके बाद आएगा किस पर, बस बहुत है इतना निकालना क्योंकि यहाँ 3 तक है 0.04, इसके बाद आप जो है इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.04 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2, तो 2.71। और इससे पहले पीछे अगर हम देखें तो आप कहेंगे जी वहां पर आ रहा था 2.71, ठीक है, लेकिन पीछे तो फिलहाल ये अलग लिया गया है, ठीक है। अभी इसका कॉमन फैक्टर भी रह रहा है, कॉमन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वेयर रूट जैसे ही आएगा कॉमन फैक्टर कितना है 2, तो 2 से आप इसको क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हम 2.71 का स्क्वेयर रूट निकालते हैं तो थोड़ा सा मैं अप्रोक्स बता देती हूँ आंसर, 2.71 को करते हैं, ये 2 ये सिंगल है तो 1 पर ही जाएगा, ठीक है, ये आ गया 1, यहाँ आ गया 1, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ आ गया 2, ये किस पर जाएगा 171, ठीक है, आगे 3 चल गए, सिक्स पर जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6.6 समथिंग आएगा। आगे एक और आपको निकालना पड़ेगा बेटा, तो आप जब निकालेंगे तो 1.6 समथिंग कुछ आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना 2, उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, इससे भी इजी शायद स्टेप शॉर्टकट था थोड़ी, यहाँ पे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी हो गई, वहां ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो जल्दी निकल गया था, बाकी डिपेंड करना है आपकी कैलकुलेशन पर कितनी आप स्पीड से करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ ही सकते हैं।